सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपको ज्ञात है कि हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर एक श्रृंखला लेकर आप तक प्रस्तुत होते आ रहे हैं उसी श्रृंखला में जो अभ्यास हम सीख रहे हैं वह अभ्यास के नाम है उधर शक्ति विकासक के अभ्यास उदर शक्ति विकासक के दस प्रमुख अभ्यासों के बारे में हमने जाना है तो उसी कड़ी में एक से लेकर आठ तक के अभ्यास हमने पूर्ववर्ती सेशंस में कक्षाओं में लेक्चर्स में हमने समझ लिया है देख लिया है उसके क्रियाविधि को समझ लिया है अब आज इस सत्र में हम आगे के जो अभ्यास हैं उदर शक्ति विकासक के नौ और दस अभ्यास हैं और आगे के जो अभ्यास है उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया विधि नौ इसकी संख्या अगर देखिए अड़तालीस संख्या में तो बत्तीस नंबर की यह संख्या होती है स्थिति जो शुरुआत करेंगे वो समस्थिति स्थिति से शुरुआत करेंगे और इसमें कमर को लगभग नब्बे अंश के कोण पर आगे की ओर झुकाना है पुनः हा, दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखना है कि हाथों आ, की जो उंगलियां है वो पीछे की ओर रहेंगी पीछे की ओर रहेंगी उंगलियां तो कमर को थोड़ा सपोर्ट करेंगी अच्छे से ग्रिप करेंगी और अंगूठा जो है वह आगे की ओर रहेगा तो चित्र में आप देख सकते हैं स्वामी धीरेन्द्रचारी जी आगे नब्बे अंश के कोण पर झुके हुए हैं उसके बाद जो क्रियाविधि है क्रियाविधि में क्या है वायु को फेफड़ों से बाहर निकालकर स्वयं वायु को बाहर ही रोक कर रखें और प्रवेश न करने दे फेफड़ों में इसी अवस्था में उधर स्थान को अंदर और बाहर की ओर गति करना है तो एम्टी स्टमक मूवमेंट करना है है ना और जितना मूवमेंट हो सके 20 से 25 बार पेट को अंदर और बाहर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स हाइपर टेंशन है तो श्वास को नहीं रोकना है और शुरुआत में आप पाँच से दस बार ही पेट को अंदर बाहर करिए धीरे 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 आप ग्रेजुअली करेंगे तो आपको इसका जो प्रैक्टिस है उसके फल को आप प्राप्त कर पाएंगे और प्रेगनेंसी है या एमटीबॉवल नहीं है भोजन किया हुआ है या गैस्ट्राइटिस है अम्लिकल हर्निया है या बैक में कोई प्रॉब्लम है सीवियर प्रॉब्लम है चक्कर आने की समस्या है तो आगे नहीं झुकेंगे पैर नहीं मिलाएंगे बहुत सारी जो सावधानियां हैं उसको हम अब ध्यान में रख के इसका अभ्यास करेंगे तो नब्बे अंश के कोण पर आगे झुक कर श्वास को बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर और बाहर मूव करना है बाह्य कुंभक के साथ श्वास को बाहर रोक दिया और बीस से पच्चीस बार हो जाए तो वापस से आ जाओ इसी प्रकार से चार से पांच बार इसका अभ्यास करना है तो सामान्य रूप से जो योग के जो हठ के विभिन्न संप्रदाय हैं, उसमें इस अभ्यास को हम कहते हैं अग्निसार है ना हमारे शरीर में बहुत सारी अग्नियां हैं आयुर्वेद के अनुसार तेरह प्रकार की अग्नियां है देर आर थर्टीन टाइप्स ऑफ अग्निज इन ह्यूमन बॉडी और उन सभी अग्नियों में से सबसे प्रमुख कौन है तो है है तो अग्नि अब इसकी पूरी की पूरी की चर्चा जो अगला अभ्यास उसमें, तो उसमें क्लियरिटी और आ जाएगी तो चलचित्र के समक्ष प्रस्तुत है इस प्रकार से समस्ती में आगे हैं दोनों पैर और दोनों हाथों को मिलाकर और हाथों के अंगूठों को आगे रखकर कोहनियों को पीछे मिलाया और श्वास को भर के पूर्णतया श्वास को बाहर निकालकर आगे नब्बे अंश के कोण पर झुक जाना है जैसे आगे बिल्कुल आप नब्बे अंश के कोण पर झुके ना 90 डिग्री के कोण पर झुके और श्वास को तो बाहर छोड़ ही दिया है रोक ही दिया है और पेट को अंदर और बाहर फुलाना है और पचकाना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है यथासंभव पाँच से दस बार शुरुआत से करें और जब अभ्यास होने लगे तो बीस से पच्चीस बार भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं अभ्यास जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद विराम जरूर करें आपके शरीर में श्वास प्रश्वास जो होता है ना बहुत हैवी हो जाता है क्योंकि जब कुंभक करते हैं व्रत रिटेंशन करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुरुआत में बढ़ती है और जिसको हटाने के लिए डीप ब्रीदिंग करना चाहिए ना। और इसलिए कुंभक को करने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं खान पान में बहुत सारे कारण होते हैं खान पान के बहुत सारे सलाह होते हैं सुझाव होते हैं तो इन सभी का पालन करते ही करते आपको धीरे धीरे उधर शक्ति के अभ्यास करने हैं और आगे भी जब आप प्राणायाम के अभ्यास में उत्तरोत्तर उन्मुख होंगे तो उसमें भी आपको ज्ञात होगा कि प्राणायाम में जो सबसे प्रमुख भाग होता है वह भाग होता है कुंभक का तो कुंभकों को करने के लिए बहुत सारी आवश्यकताओं को रखना होता है इसीलिए उदर शक्ति विकासक की जो जितने अभ्यास हैं जिसमें कुंभक हो रहा है उसमें आपको ध्यान से करना है तो अब हमने उदर शक्ति विकासक के एक से लेकर नौ तक के अभ्यास सीख लिए हैं उदर शक्ति विकासक के दस की सीरीज में जो सबसे अंतिम अभ्यास है दसवा अभ्यास है उसको हम सीखने का यहाँ पर प्रयास करने जा रहे हैं तो आपके समक्ष प्रस्तुत है अब इसके लाभ की बात करते हैं उदर शक्ति विकासक की जो दसवीं क्रिया है उसका एक नाम नौली भी है है ना नौली आप देखेंगे तो हठ योग में शोधन क्रियाओं के रूप में आता है है ना शोधन क्रियाओं के रूप में षट कर्म आते हैं षट का अर्थ होता है छ कर्म का अर्थ होता है क्रियाएं तो छह प्रकार की क्रियाएं जिससे आपके शरीर की शुद्धि होती है वात का होता है, धातुओं की पुष्टि होती है तो उसमें शोधन तो तो क्रिया है उसी नौली की पद्धति को हम सूक्ष्म व्यायाम में भी प्रयोग करते हैं तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि नौली का जो प्रयोग है वह आपके शरीर की अग्नि जिसमें से प्रमुख जो है। कौन सी अग्नि अग्नि है है तो जठर जो आपके उदर स्थान पर पाई जाती है पाचन कहाँ से होता है भोजन आप कहते हैं तो आपके स्टमक में जाता है लोग कहते हैं पेट में भोजन जाता है और पेट में अग्नि है अब उसको आयुर्वेद के अनुसार से अग्नि कहते हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो कहती है कि हमारे जो आ, स्टमक है हमारे जो आमाशय हैं उसमें बहुत सारे आ, रसायन बनते हैं बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं एसिड्स बनते हैं और एसिड आप देखें अगर आप अम्ल को समझते हैं तो एसिड आपको पता है कहीं भी अगर गिरता है तो जला देता है उसमें बर्निंग कैपेसिटी होती है उसमें डाइजेस्टिव पावर होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है हमारे स्टमक में तो हमारे ऋषियों ने योगियों ने अम्ल का जो कार्य है क्योंकि जो जो विज्ञान आप देख रहे हैं आयुर्वेद और योग के माध्यम से वे सभी विज्ञान एनाटमिकल पोस्टर से नहीं है स्ट्रक्चरल रूप से नहीं है वह फंक्शनल रूप से है वो क्रियान्वित रूप से है तो जो भी विज्ञान की संकल्पनाएं आयुर्वेद और योग शास्त्र में मिली हैं, जो कहती हैं कि अग्नि है आपके उदर स्थान में वह सही कह रही हैं, क्योंकि जो अम्ल निकल रहा है आपके स्टमक uh, में आपके उधर स्थान में आपके जठर में टू बी मोर मोरप्रिसाइज वह क्या कर रहा है तो जलाने का कार्य कर रहा है वो डाइजेशन का कार्य कर रहा है डिजोल्यूशन का कार्य कर रहा है घोलने का कार्य कर रहा है तो यदि आप नौली का अभ्यास करते हैं उधर शक्ति के जो दसवा अभ्यास है सबका अभ्यास कर लें या प्रमुख रूप से जो दसवा अभ्यास है या हठ योग का जो नौली अभ्यास है इन तीनों में से कोई भी अभ्यास करते हैं तो आपकी जो तेरह अग्नियां हैं वह पुष्ट होती हैं और तेरह अग्नियों में सबसे प्रमुख अग्नि कौन सी है तो वह है जठर अग्नि और जठर अग्नि का स्थान आपके उधर स्थान पर होता है तो उधर शक्ति विकास का दसवा अभ्यास करेंगे तो आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होगी आपको पता होना चाहिए कि इसी जठर अग्नि के अनियमित होने से आपको बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं इसी जठर अग्नि के कुपित होने से हमारे भोजन का पाचन नहीं होता रस रक्त में नहीं र... भोजन रस में नहीं बनता बदलता है और रस फिर रक्त में नहीं बदलेगा फिर रक्त के जो अन्योत्तर जो सप्त धातुओं की पूरी की पूरी संकल्पना है उनकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी है शरीर क्रिया है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं दूसरे में उस सब में बाधा आ जाएगी तो जिसका अगर जठर स्थान जिसका उधर स्थान पीड़ित होता है उस व्यक्ति के शरीर में तेज नहीं होता ऊर्जा नहीं होता बल नहीं होता है उसका उसका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होता है तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि आयुर्वेद शास्त्र

पर यदि आपका कोई भी संकोच आ जाए नाड़ियों में अवरोधन आ जाए आ, मेद के कारण या श्रष्म के कारण या अन्य किसी आ, अन, अनावश्यक आ, तत्वों के कारण यदि कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत आ, बड़ी समस्या हो सकती है आपके जो आ, जो आपके कोष हैं जो आपका मनोमय कोष है प्राणमय कोष है या जो नाड़ियों का प्रवाह है वह अवरुद्ध हो जाता है तो इसके अभ्यास से क्या होगा आपकी जो नाड़ियाँ हैं उसका जो केंद्र है कंद उसकी शुद्धि होती है तो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी होती है स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र का भी स्थान है तो इस प्रकार से देखेंगे उदर शक्ति विकास का जो दसवा अभ्यास है वह बहुत ही अच्छा अभ्यास है यदि आप हठ योग में देखेंगे तो इसको नौली कहा गया जो मैं पहले ही कहा गया हूँ कह चुका हूँ और हठ योग के जितने भी अभ्यास हैं शोधन क्रियाओं में मैंने छ नाम बताए थे धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल इन छह अभ्यास में अगर किसी को राजा बताया जाता है किसी को ताज पहनाया जाता है किसी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है तो वह एकमात्र अभ्यास है वह है नौली तो हठ क्रिया मौली यम च नौली अशेष दोषा मई हठ क्रिया मौली यम च नौली की संज्ञा दी गई है तो हठ योग के जितने भी अभ्यास हैं प्रमुख रूप से शोधन क्रियाओं में जो सबसे प्रमुख शोधन क्रिया है वो नौली है तो आप हठ योग के शास्त्र देखें या सूक्ष्म व्यायाम की संज्ञा देखें या आधुनिक विज्ञान देखें उन सभी तथ्यों से यह पुष्ट होता है कि यह अभ्यास बहुत ही प्रमुख है लेकिन आपको सावधानियों के साथ ही इसका अभ्यास करना है प्रेगनेंसी के दौरान अभ्यास नहीं करना है मेंस्ट्रुएशन की कोई समस्या है तो अभ्यास नहीं करना है मेन्सेस की प्रॉब्लम है तो अभ्यास नहीं करना है लोअर बैक पेन है तो आगे ज्यादा नहीं झुक पाएंगे या चिकित्सा के निर्देश में उसका अभ्यास करेंगे और भी कोई भी समस्या है बहुत सारी समस्याओं के हम नाम बार बार नहीं ले सकते हैं तो ये अब इस समय आपको अभ्यास नहीं करना है लाभ मैंने आपको काफी विस्तृत रूप से आपको बताया है क्रियाविधि के रूप में चलिए हम देखते हैं स्थिति किस प्रकार से बनाना है है ना स्थिति को हम यहां पर देखते हैं पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाना है पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाना है और कमर से आगे की ओर झुकना है अब कितना झुकना है तो साठ सत्तर भी आप झुक सके जिससे कि दोनों हथेलियां घुटनों पर पहुंच जाएं तो घुटनों को दोनों हथेलियों से आप पकड़ लीजिए और आगे झुकी है ना और इस प्रकार से आगे क्रिया क्या है दोनों नासिका रंध्रों से वायु को बाहर निकाल दीजिए और श्वास को बाहर ही रोक दीजिए और पुनः पेट को कर तो अंदर की पेट को कर पकड़ना है श्वास को बाहर निकाल देना है और वहीं पर रोक देना है हाइपरटेंशन वाले श्वास को बाहर निकाल कर नहीं रोकते हैं वो अग्निसार का भी अभ्यास करें तो ध्यान से करें वो सामान्य रूप से धीरे धीरे पेट का मूवमेंट करें वही उनके लिए अच्छा है पेट को श्वास पेट को ऐसे इस प्रकार से पिचकाना हृदय के लिए शुरुआत में अच्छा नहीं हो सकता तो चिकित्सकीय निर्देश यहाँ पर वांछनीय है तो आगे झुककर दोनों घुटनों को पकड़ लिया है श्वास को बाहर निकाला और बाहर रोक दिया और पेट को अंदर खींच कर रखा है उड्डयान बंद अंदर की ओर और ऊपर की ओर उड्डयान है ना जिस प्रकार से वायु या लौ ऊपर की ओर उड़ता है उस प्रकार से हम प्राण में प्राण को प्रवाहित करते हैं सुषुम्ना मार्ग में तो पेट को पूर्त्या पिचकाकर अपने पूर्ण रूप से उडयान बंद को यहाँ पर लगाना है अब उसके बाद आगे क्रियाविधि आपके समक्ष प्रस्तुत है तत्पश्चात दोनों हाथों से घुटनों पर बल लगाते हुए पेट की जो मांसपेशियां है ना उसमें बहुत सारी मांसपेशियां है एक मांसपेशी का नाम हमने लिखा अब रेक्टस को इकट्ठा करके पेट की नौली को निकालना है उस जो पूरी मांसपेशियां है उसको इकट्ठा कर देना है और एक जगह उसको रख देना है है ना तो पेट की एक नौली बन जाएगी एक इकट्ठा भाग बन जाएगा और उसी को फिर मूव करना है अब ये बताने के लिए तो काफी साधारण लग रहा है लेकिन अभ्यास करते हुए आपको ज्ञात होगा कि उद्यान बंद लगाना ही बहुत मुश्किल कार्य होता है शुरुआत में बहुत सारा फैट है पेट में है ना बहुत सारा फैट है तो उद्यान बंद कैसे लगेगा ना उद्यान बंद ऐसा नहीं है कि बस पेट को अंदर खींच दिया तो उद्यान बंद हो गया पेट अंदर जा भी रहा है आप प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन क्या उस वैसी गति हो रही है पेट आप अपने अंदर की ओर खींच पा रहे हैं तो एक दिन में नहीं होगा जब तक वहां पर जो सेंट फैट है वह नहीं वहां से हटता है तब तक नहीं लग सकता तो जब तक उद्यानबंध नहीं लग सकता तब तक नौली नहीं लग सकता तो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ना एक से चालू करेंगे ना उदर शक्ति विकासक की क्रिया नंबर एक से क्रिया विधि एक से जब चालू करेंगे दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ जब अभ्यास निरंतर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तब ही आप क्रिया विधि दस का पालन कर पाएंगे तो पढ़ने पढ़ाने कहने कहाने सीखने सिखाने के लिए तो बहुत ही साधारण लग रहा है लेकिन अभ्यास आप करोगे तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा किसी भी वस्तु को सीखने में समय लगता है इसमें भी समय लगेगा लेकिन सीख लिया तो आप हठ योग के एक बहुत ही प्रमुख अभ्यास से परिचित हो जाओगे और अपने जीवन के जो आपके जो जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अंग हैं जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और जिसमें रोग हो जाता है ना आप अपने अगल बगल देखिए लोगों को जो रोग हुए हैं उनमें से अधिकांश जो रोग हैं वो कहीं ना कहीं लीवर किडनी इसी स्टमक इस आंत यही के कहीं के रोग होते होंगे ना लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी उधर गुहा को प्रमुख रूप से प्रभावित कर रही है तो यदि आप इसके अभ्यास को सीखते हैं तो अपने जीवन में काफी आप सकारात्मक परिवर्तन को देखेंगे तो हमने क्या किया है आगे झुके हैं है ना साठ सत्तर अंश के कोण पर और अपने घुटनों से अपने घुटनों को पकड़ लिया है श्वास को पूर्णतया बाहर निकाला और उडयानबंध लगाया उडयानबंध लगा लेने के बाद से अपने पेट की जितनी मसलनस रेक्टस इत्यादि को बीच में इकट्ठा कर देना है और उसके बाद घुटनों पर जिस घुट जिस तरह आपको रोटेट करना है उसके विपरीत घुटने पर दबाव डालना है और इस प्रकार से नौली आपको मूव करना है आप इस क्रियाविधि को इस चित्र में देख सकते हैं है ना किस प्रकार से बाएं से दाया और दाएं से बायाँ दोनों क्रियाविधि आप यहां पर देख सकते हैं जो नॉली है जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको इकट्ठा करके किस प्रकार से मूव किया जा रहा है तो ये देखने के लिए सुंदर लगेगा या अजीब लगेगा या मुश्किल लगेगा इसलिए नहीं किया जा रहा है इसको करने का पूरा का पूरा एक विज्ञान है इसमें साइंस छुपी हुई है ये क्या साइंस है तो जब आप अपने पेट की मसल्स को इकट्ठा करते हैं तो आपका कॉन्ट्रेक्शन फोर्स डेवलप होता है आप अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं है और वे मसल्स प्रोटेक्ट करेंगे आपके एब्डोमिनल एरिया में जितने भी अंग हैं उसके बाद जब आप उसको भंवर के रूप में वॉरल पूल के रूप में जब आप उसको मूव करते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो वो मसाज कर रहे हैं वो डीप सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं जो आपकी अंग प्रत्यंग हैं जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं उन पर आप कार्य कर रहे हैं और और कोई तक, तकनीक है ही नहीं है ना अगर आपको पेट के अंदर कोई भी द्रव्य पहुंचाना है या कुछ करना है तो पेट को फाड़ना पड़ता है ऑपरेशन करना पड़ता है है ना लेकिन नौली क्रिया ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी इन्वेसिव मेजर के है ना बिना किसी बाहर से चीड़ फाड़ के आप वो सारे लाभ वो सारे पोषण तत्व जो आपके शरीर में ही विद्यमान है जिनका अवशोषण नहीं हो पा रहा जिनका एब्जॉर्प्शन एसिमुलेशन नहीं हो पा रहा वह आप पहुंचा सकते हैं तो ये जो मूवमेंट है यह थेप्यूटिक मूवमेंट है इसके बहुत सारे चिकित्सकीय लाभ है और बस चिकित्सकीय लाभ ही नहीं है नौली के अभ्यास के बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी हैं इसलिए नौली को हठ क्रियाओं की मौली कहा गया है हठ क्रियाओं का ताज कहा गया है तो सूक्ष्मयाम के रूप में करें या शोधन क्रिया के रूप में करें नौली का अभ्यास अवश्य करें और नौली के अभ्यास के लिए आपको ज्ञान बंद का अभ्यास सीखना पड़ेगा बंद के अभ्यास के, के लिए आपको अग्निसार का अभ्यास सीखना पड़ेगा अग्निसार के अभ्यास के, 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 के लिए आपको उधर शक्ति के विकास के अभ्यास सीखना पड़ेगा और इस प्रकार से एक सीक्वेंस में आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं लाभ बहुत सारी हैं सावधानियाँ भी बहुत सारी हैं लेकिन अभ्यास आप चाहें तो अपनी इन सभी वस्तुओं को इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसके अभ्यास के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं तो इस प्रकार से हमने जो शुरू किया था उसको ये समापन की ओर ले गए हैं उधर शक्ति विकासक के दस अभ्यासों को सीखा है अब इसी क्रम में यौगिक सूक्ष्मयाम के अन्य जो अगली कड़ी है उसकी ओर हम चल रहे हैं अगली कड़ी जब उधर के अभ्यास हो गए तो अब हम चल रहे हैं कटी के अभ्यासों की ओर कटी शक्ति विकासक की क्रिया सीखने जा रहे हैं तो कटिशक्ति विकासक के कितने अभ्यास हैं तो कटी शक्ति विकासक के पांच अभ्यास है देर आर फाइव प्रैक्टिस रिलेटेड टू कटी शक्ति विकासक तो कटी क्या है आपको समझना पड़ेगा कटी क्या है तो कमर है अब कौन सा कमर है है ना जैसे एबडोम रीजन तो एक रीजन है लेकिन कमर तो ऊपर कंधे से लेकर नीचे से चालू हो रहा है लोअर बैक तक जा रहा है अपर बैक हो गया तो लोअर बैक हो गया तो इस प्रकार से देखिए तो आप अपने पूरे बैक को दो भागों में डिवाइड सकते हैं समझ के लिए या अभ्यास के लिए तो अपर बैक और लोअर बैक इस प्रकार से चलचित्र के माध्यम से भी आपने देखा है इसमें बहुत सारी मांस अस्थि और हैं बहुत सारी उसमें स्ट्रक्चर्स हैं तो धीरे धीरे आप उसको चाहे तो स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं हमने यहाँ पर आपको एक सामान्य रूप से धारण प्रस्तुतिकरण यहाँ पर आपको दिखाया है तो कटी शक्ति विकासक के पांच अभ्यास हैं और कटी शब्द कमर को प्रदर्शित कर रहा है तो कमर की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए कटी शक्ति विकासक के अभ्यास से क्या होगा उसके लाभ क्या है तो जो आपकी कमर है ना बैक जो है ना सुडौल होगी सुडौल का अर्थ क्या होता है ताकतवर होगी है ना उसकी पुष्टि होगी उसकी जो आकृति होनी चाहिए थी वैसी ही आकृति होगी और उसमें कोई भौंगापन नहीं आएगा उसमें आ, कोई स्थूलता नहीं आएगी है ना उसमें प्रॉपर एक बिल्ट रहेगा उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहेगा और बहुत सारे लोग जो होते हैं कमर की दर्द से पीड़ित होते हैं है ना कमर दर्द के का, का, का जो कारण है उसको उनको स्वयं भी ज्ञात नहीं होता है ना चलते फिरते कोई भी सामान उठा लिया या आगे झुक के तो कमर दर्द होने लगता है समान उठा लेने से और आगे झुकने जाने से कमर दर्द होना चाहिए तो फिर तो कोई दुनिया में कार्य ही नहीं होगा है ना ये तो जीवन के कार्य हैं समान जीवन के कार्य हैं तो क्या इसके कार्य करने से बचना है समान कोई भी नहीं उठाना आगे नहीं झुकना है ऐसा नहीं आप सारे कार्य कर सकते हैं यदि आपका जो आपकी जो कमर है वह मजबूत है तो आपको अपने सारे कार्य करने चाहिए लेकिन साथ में उस अंग के लिए भी थोड़ा सा कार्य करना चाहिए क्योंकि उस अंग से आपको बहुत सारे कार्य करने हैं तो नियम समझ लीजिए जिस अंग से ज्यादा कार्य करना होगा उस अंग को भी उस अंग पर भी थोड़ा सा कार्य आपको करना पड़ेगा तो बैक की जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को है बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं इससे पीड़ित हैं रोज दर्द उससे पा रहे हैं रोज दुखी दुखी होते हैं पीड़ित होते हैं और कुछ लोगों ने उसके साथ जीना भी सीख लिया है लेकिन योगाभ्यास आपको बिल्कुल सरतिया तौर पर जो दर्द है उससे आराम जरूर आपको पहुंचाएगा कुछ केसेस में तो आप ठीक हो सकते हैं है ना तो लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लोअर बैक बिल्कुल ठीक हो जाएगा अपर बैक ठीक हो जाएगा लेकिन योग अभ्यास के बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिक मॉडर्न रिसर्चे पाए गए हैं और इन सभी योग अभ्यासों के माध्यम से अभी जो हम सीख रहे हैं कटी शक्ति विकासक की जो पांच क्रियाएं हैं उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से एक साधारण रूप से आ, हम इसका इम्प्लिकेशन या इंटरवेंशन हम देख सकते हैं तो जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है अपर बैक की प्रॉब्लम है बहुत घंटे घंटे बैठते हैं सिटिंग जॉब है तो बहुत सारे स्ट्रेस हो रहा है कमर पे कमर से तो बहुत सारा कार्य ले लिया लेकिन कमर पर कोई कार्य नहीं किया और धीरे धीरे वही कमर जो होती है कमजोर हो जाती है मसल वेस्टिंग हो जाती है बोन डेंसिटी खराब हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और नर्व कंप्रेशन हो गया कहीं झटके में थोड़ा सा भी झुके तो प्रॉब्लम हो गई रप्चर हो गया हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, गया नर्व कंप्रेशन हो गया लिस्थेसिस हो गया लाइसिस हो गया है ना प्रॉब्लम हो गई एक्सीडेंट हो गया इंजुरी हो गया बचपन में हम कितना गिरे हैं कुछ नहीं होता था लेकिन अभी थोड़ा सा आगे झुक गए कहीं जर्क लग गया तो कमर में दर्द हो गया शिकायत हो गया नब कमरे सोसाइटी का इत्यादि हो जाता है क्योंकि वह भाग आपका कमजोर है आपने उसके लिए कोई भी व्यायाम कोई भी एक्सरसाइज कोई भी योगाभ्यास नहीं किया है कमर को मजबूत बनाने के लिए शक्ति विकासक से अच्छे अभ्यास आपको शायद ही मिलेंगे और योग में तो ये काफी ही एक तरह से प्रेस्क्राइब्ड है तो जितने भी नर प्रोफेशनल जो जिनका शरीर से ही कार्य है जो नर्तक हैं या क्रिया जो इन इस प्रकार से करते हैं बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है या और भी कोई भी क्रिया पद्धति हो सकती है जिसमें आपको अपने लोअर बैक का अपने बैक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है तो आपको ये सारे अभ्यास सीखना चाहिए तो इस प्रकार से आप आपने लाभ देखा है कटी शक्ति विकासक के तो कटी शक्ति विकासक के जो पाँच अभ्यास हैं उनमें से जो पहला अभ्यास है उसको सीखने का प्रयास हम आगे करने जा रहे हैं पहली जो स्थिति है वो हमेशा रहती है समस्थिति में खड़े हो जाते हैं अब इसमें दो क्रिया हो जाएगी कटिशक्ति के पांच अभ्यास हैं पहले पहले अभ्यास में दो क्रियाएं हो जाती है दो प्रकार हो जाते हैं पहला प्रकार हम सीख रहे हैं समस्थिति में खड़े हो गए दाहिने हाथ की मुठ्ठी को बांधा है अंगूठा अंदर रखा है तत्पश्चात दाहिने हाथ को कमर पर रखा है और बाएं हाथ से उसको पकड़ लिया कलाई को अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दाया बाया आगे पीछे किस प्रकार से तो आगे हम अभी क्रिया विधि आगे हम देख लेंगे तो क्रिया का हमें क्या करना है दाएं हाथ की मुठ्ठी है कमर के पीछे रखना है बाएं हाथ पकड़ जाना है, और पैर को घुटने तक ले जाने का प्रयास करना जितना आप झुक सके इस प्रकार से पांच बार श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे पांच बार श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे तो शक्ति विकासक के पांच अभ्यासों में से पहला अभ्यास का पहला भाग है इस प्रकार से आपने देखा अब इसका जो ख भाग है उसको भी एक बार इसकी क्रियाविधि और चित्र देख लेते हैं फिर पुनः चलचित्र के माध्यम से इन दोनों अभ्यासों को हम क्लियरली देखेंगे तो क्रियाविधि क हो गया है क्रियाविधि ख आपके समक्ष प्रस्तुत है इसमें क्या करना है पैरों को परस्पर मिलाते हुए पैरों से कमर का भाग बिल्कुल सीधा रखना है पुनः पहले तो दाएं बात, दाएं हाथ की मुठ्ठी बनाई थी अब बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है तो बाएं हाथ की मुट्ठी बनाए अंगूठा मुट्ठी के अंदर रखें तत्पश्चात बाएं हाथ को कमर पर रखें दाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लें और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे जितना जा सके यथा साध्य जाने के बाद रुकना भी है, है ना रुक जब रुक ले उसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऊपर आए और आगे की ओर झुके जितना झुक सके चलचित्र में देख रहे हैं स्वामी जी अपने माथे से घुटनों तक स्पर्श कर रहे हैं और आरंग, हम जो आरंभिक क्रम है प्रारंभिक क्रम है पांच बार इसका अभ्यास आपको करना है तो पीछे जाकर झुक कर श्वास भी कुछ देर तक रुकना है उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे झुके जब आपका माथा घुटनों के पास तक पहुंच रहा हो तो भी वहां पर कुछ देर रुकना है तो ये अभ्यास आपको करना चाहिए कमर में पहले से ही कोई समस्या है पहले से ही लिस्थेसिस लंबाई गौ है कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो अभ्यास आपको नहीं करना है क्योंकि फिर बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग आपके लिए मेडिकल कंडीशन हो जाएगी और फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए रिक्वायर्ड होगा तो थेरेपिस्ट से योग चिकित्सक से निर्देश अवश्य आपको लेना है सामान्य व्यक्तियों के लिए अभ्यास हाइपर टेंशन तो बहुत ज्यादा आपको नहीं झुकना है ये सारी जो क्रियाविधि है मैं हर एक अभ्यास के दौरान आपको बताता हूं आपको भूलना नहीं है अति उत्साह में कभी भी गलत अभ्यास नहीं करना है गलत अभ्यास से आपको समस्या आ सकती है योगाभ्यास आपकी समस्याओं को कम करने के लिए है बढ़ाने के लिए नहीं है योगाभ्यास अगर आप मूर्छित रूप से करेंगे तो आप योग्यास क्या जीवन के किसी भी आयाम से आप अपने जीवन में कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं तो इसका प्रयोग हमेशा चिकित्सक के निर्देश में करें यदि कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो क्रियाविधि एक क्रियाविधि दो कटिशक्ति की पहली क्रिया की देख ली है इसकी क्रियाविधि हम एक बार चलचित्र के माध्यम से भी आ, देख लेते हैं तो क्रियाविधि जो क है वो आपके समक्ष है हमने दाएं हाथ की मुठ्ठी बनाई है बाएं हाथ से उसके कलाई को पकड़ा है और श्वास भरते हुए पीछे गए हैं श्वास कुछ देर रुके एक दो से दो से तीन सेकंड शुरुआत में ना रुके बाद में रुके फिर आगे चले गए हैं इस प्रकार से श्वास भरते हुए पीछे गए हैं और श्वास भरते हुए आगे जाएंगे कोई कंपटीशन नहीं है किसी से कोई भी आपको कंपटीशन नहीं रखना आपका शरीर जितना अलाउ करता है उतना ही करना है लेकिन नित्य निरंतर करेंगे जब निरंतर करेंगे सौतु दीर्घ काल तो आपको अभ्यास में फायदा मिलेगा ये क्रियाविधि ख है इसमें बाएं हाथ की मुठ्ठी बनाया है और दाएं हाथ की कलाई से पकड़ा है कमर के पीछे रख दिया श्वास भरते हुए पीछे गए हैं सेकेंड रुका फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए धीरे धीरे अभ्यास में जब प्रगति होगी तो चार से पांच सेकेंड भी आप रुक सकते हैं तो इस प्रकार से आपने देखा है विकास के पांच अभ्यास पांचों अभ्यासों में से जो पहला अभ्यास था उसकी दो क्रियाविधियां आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है इसके लाभ भी हमने बताए हैं इसकी सावधानियां भी बताई हैं तो आशा करते हैं आपको ये सारे व्याख्यान पसंद में आ रहे हैं जब ये अभ्यास संपूर्ण हो जाए तो आप समस्थिति में आ जाते हैं तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारे व्याख्यान पसंद आ रहे हैं आप इनका अभ्यास भी कर रहे हैं और कोई प्रश्न है तो आप हम तक दिए गए ईमेल आईडी एड्रेस पर भेज सकते हैं इसी प्रकार से जुड़े रहिए योग अभ्यास सीखते रहिए नास्ति योगात पर बलम योग से बड़ा कोई बल नहीं है और योग अभ्यास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है नमस्कार हरिओम